अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि ना सिर्फ गूगल बल्कि हमें भी यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना है और जितना हमारा यूज़र खुश होगा उतनी हमारे लिए एस भी आसान होगी और जब हम वैल्यू प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो हम कॉन्टेंट की बात करते हैं कॉन्टेंट में हमने पेजस की तो बात कर ली लेकिन बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो पेजज़ में एडजस्ट नहीं हो सकता तो so, ब्लॉग्स असल में हमें वहाँ हेल्प करते हैं जहाँ पर हमें बाकी पेजेस हेल्प नहीं कर पाते तो फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स क्या हैं ब्लॉग्स इज़ लाइक एन आर्टिकल कि आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर और वो एक ब्लॉग के तहत यानी कि एक वेब लॉग जो कि डायरी भी कहलाती है वो एक डायरी के तहत एक आर्टिकल पब्लिश आपकी वेबसाइट पर हो जाता है इसमें टेक्निकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक स्टैटिक पेज और एक ब्लॉग में बस ये मेन डिफरेंस है कि स्टैटिक पेज में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ कुछ चेंज होगा आपने होम पेज बनाया वो होम पेज वैसा ही रहता है आपकी सर्विस का पेज भी वैसा ही रहता है लेकिन अगर आप एक आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें आपके पास गुंजाइश होती है कि आप उसमें कमेंट्स ऐड करवा लें मतलब के लोग जाते हैं तो उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं पेजेस पे ये नहीं होता और आप ब्लॉग्स एक नहीं बल्कि बार बार आप लिख सकते हैं तो पेजेस एक जगह पे फिक्स रहते हैं ब्लॉग्स आपके अपडेट होते रहते हैं और नए ब्लॉग आपको नए नए जो है ब्लॉग पेज पर पे नज़र आते रहते हैं सर तो हर आर्टिकल एक पेज ही होता है लेकिन उसके ऊपर उसकी जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं मेरी नज़र में ब्लॉग्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपको वैल्यू क्रिएट करने में जो हमने इन की बात की जो हमने डे शाम आखड़ेंगे बिगर स्कोप की बात की असल में ब्लॉग्स ही वो चीज़ हैं जो हमें उस लेवल तक लेके जाते हैं हमें जब तो कीवर्ड रिसर्च का जिक्र किया हमने उसमें ये देखा कि हमें गूगल सैकड़ों की तादाद में कीवर्ड निकाल के दे देता है और ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं ये कहीं से कहीं और से नहीं आते ये गूगल ख़ुद से नहीं निकालता अक्सर लोग ये कीवर्ड सर्च करते हैं और वो डेटा गूगल सेव करता है और वही डेटा गूगल दिखाता है सो so, गोया कि ये सैकड़ों सर्चिज जो हैं वो लोगों की तरफ़ से सर्चिज़ हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा सर्च होती हैं कोई बहुत कम होती हैं हम ये करते हैं कि हम अच्छे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स और जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं उनका ग्रुप बनाते हैं उनको पेज के साथ असाइन कर लेते हैं लेकिन हम जो बाकी कीवर्ड्स हैं उनको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं सो ताकि वो उस पर भी हम रैंकिंग ले सकें और उस पर भी हमारा कोई ना कोई पेज बन जाए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मोबाइल फ़ोन्स की जब हमने मोबाइल फ़ोन की कीवर्ड रिसर्च की तो उसमें हमें पता ये चला कि लोग स्मार्टफोन प्राइसेस या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन पाकिस्तान ऐसे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अभी ऐसे की वर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं पेजेस बना सकता था पर हमने उसको पेजेस बनाकर उसको वैसे पेजेस के ऊपर उन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर दिया उनको ग्रुप कर दिया ताकि वो सिर्फ़ उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर वही पेजेस ऑप्टिमाइज़ रहें लेकिन अगर आप स्क्रोल डाउन करके नीचे आपने देखा हो और अगर आपको याद हो तो उनमें बहुत सारे ऐसे भी थे कि जिनको ये नहीं पता था कि उनको फ़ोन कौन सा चाहिए तो अक्सर वो सर्च कर रहे थे विच फ़ोन टू बाय और द चीपेस्ट फ़ोन अवेलेबल या फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर या बजट फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर अब ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ और मैं उन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ कि भाई कैसे डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए अब चूँकि वो मेरी ऑडियंस सर्च कर रही है और मुझे ये पता चल गया क्योंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च किया की है और अब हम क्या करेंगे वो इनबाउंड वाला एलिमेंट यहाँ पर आपको समझ आएगी कि वैल्यू ड्राइव करेंगे हम वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अपने कंटेंट के थ्रू सो so, आपने एक स्टोर तो बना लिया लेकिन आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप हर महीने एक पोस्ट लिख सकते हैं टॉप टेन फोन्स ऑफ द मंथ इसमें आपके लिए बड़ी आसान होगी क्योंकि आपके पास तो कॉन्टेंट आ रहा है आपको पता है कि कौन से फ़ोन चल रहे हैं और कौन से फ़ोन नहीं चल रहे वो रेटिंग के तहत आप डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप टेन फोन्स कौन से हैं जो आप अपने उसके ऊपर एक आर्टिकल आप लिख सकते हैं सो so, जून जुलाई अगस्त हर महीने का एक आप आर्टिकल पब्लिश करें तो लोग आपको इस बात पे पसंद करेंगे कि भाई ये वो वेबसाइट है जो हर महीने हमें ये गाइड करती है कि वो टॉप टेन फ़ोन्स कौन से हैं सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने नहीं भी बाय करना अब हर महीने तो कोई फ़ोन बाय नहीं करेगा लेकिन जब भी वो करेगा वो आपके पास आएगा और आपके उस ब्लॉग को आके पढ़ेगा कि भाई मैं देखूँ कि इस महीने का टॉप टेन में से वो कौन से फ़ोन हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इसी तरह से आप और भी अपनी कॉन्टेंट को डाइवर्सीफाई कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को Uh, अपना मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है या उसको एक सर्टन एक प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं कि हाउ टू फिक्स अ सर्टन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है कि हाउ टू फिक्स योर स्क्रीन एरर या हाउ टू क्लीन योर मोबाइल आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अपना मोबाइल साफ़ कैसे करना है अब इसके ऊपर एक पेज बनाना सेंस नहीं बनती लेकिन आप इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे जब वो आर्टिकल लोग पढ़ना चाहेंगे तो उसके ऊपर कमेंट्स भी करेंगे अपने फीडबैक भी देंगे बट ये एक एंगेजमेंट क्रिएट हो जाती है और गूगल भी इस बात को पसंद करता है इसमें आपके वो रिसेंसी और वो फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट भी कवर होते हैं तो जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे हर हफ़्ते या हर दिन या हर दूसरे दिन वो एक फ्रीक्वेंसी के तहत वो वो रिसेंसी रहेगी क्योंकि गूगल को जब भी आएगा उसको ये पता होगा कि आप हर रोज़ यानी कि हर रेगुलरली आप कॉन्टेंट अपडेट कर रहे हैं सो और फ्रिक्वेंसी में ये भी पता चल जाएगा कि ये रेगुलरली एक फ्रिक्वेंटली कॉन्टेंट डाल रहे हैं और वो हेल्प कर रहा है और वापो रैंक करने में भी मदद कर रहा है असल में ये चीज़ तो यहाँ तक तो बड़ी अच्छी लगती है प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब लोगों को लिखना पड़ता है आप राइटर हायर कर सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं लिखने की लिमिटेशन नहीं है ज़्यादातर लोगों को लिखने में ये प्रॉब्लम आती है कि हम लिखें क्या सो so, मैं तो आपको एक सौ एक आइडियाज़ बता सकता हूँ कि आप किस तरह से लिख सकते हैं आपको बैठ के ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है आपकी प्रोडक्ट क्या है और वो क्या क्या ढूंढ रही होगी आपकी प्रोडक्ट के बारे में तो आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल दें मोबाइल फ़ोन स्टोर की तो आप जैसे मैंने पहले बताया एक लिस्ट पोस्ट डाल सकते हैं हर हफ़्ते कि भाई इस हफ्ते की या इस महीने की कौन से टॉप मोबाइल्स हैं आप फिर एक लिस्ट ये भी बना सकते हैं कि कौन से बजट फ़ोन हैं जो लोगों को लेने चाहिए आप क्लियर बना दें कि हाई एंड फ़ोन कौन से हैं लो एंड फ़ोन कौन से हैं और मिडिल रेंज में कौन से आते हैं फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप सालाना लिस्ट बना सकते हैं कि दो हज़ार कौन से फ़ोन अच्छे हैं आप इस पर बात कर सकते हैं फिर आप इसमें और भी क्रिएटिव हो सकते हैं सपोज आप आ, मुकाबला करवा सकते हैं कि जी सैमसंग वर्सेस ऐपल तो सैमसंग के फ़ोन के फ़ीचर्स क्या हैं हैंप्पल के फ़ोन के फ़ीचर्स क्या हैं आप कंपेयर करें क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं अपनी इंडस्ट्री के लोग आपको पढ़ना पसंद करेंगे और यही कंटेंट आपको एस में रैंकिंग भी देगा और आपको ऊपर आने में हेल्प भी करेगा इसी तरह से आपको पास और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोग ये भी पसंद करते हैं कि भाई ये जो वेबसाइट चला रहा है ये जो बिज़नेस चला रहा है ये है कौन इसके पीछे कौन सी टीम बैठी हुई है सो so आप क्यों ना अपनी प्रमोशन भी करें लोग पैसे दे के अखबारों में अपनी तस्वीरें छपवाते हैं आपके पास पूरी ऑपॉर्चुनिटी है कि आप मुफ्त में अपनी वेबसाइट में अपनी पब्लिसिटी करें तो आप हर अगर आप कोई डिनर करते हैं टीम के साथ या अगर आप कोई पार्टी करते हैं आप कोई ट्रिप लेके जाते हैं उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखें ताकि लोगों को ये पता चले कि ये भी इंसान है और जो इस बिज़नेस को चला रहे हैं लोग एसोसिएट करेंगे आपसे वो उनको अच्छा लगेगा इसी तरह से आप अपनी टीम के इंटरव्यूज डाल सकते हैं कि कोई आपके साथ काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो काम तो कर रहा है पैसे भी ले रहा है आपसे लेकिन एक डेडिकेशन होती है एक शौक होता है जब आप वो शो करेंगे लोगों को तो बेसिकली वो आपका एक ह्यूमन एलिमेंट नज़र आएगा लोगों को कि भाई ये एक अच्छी टीम है और ये अपने काम को बड़ी सीरियसली लेती है और ये चीज़ आपकी ऑडियंस को पसंद भी आएगी और अगेन गूगल तो इसको पसंद करेगा ही क्योंकि हम हर उस की वर्ड आर्टिकल लिखते चले जा रहे हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं और ये कि हम फ्रिक्वेंसी भी मेनटेन कर रहे हैं हम रिसेंसी भी मैंटेन कर रहे हैं और एक अच्छे कॉन्टेंट वाली वेबसाइट को गूगल ऊपर रैंक करता है और आपके कंपेटर्स जो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं डाल रहे होंगे वो ऐसे ऐसा नीचे चले जाएँगे तो so ये काम चाहे आप अपनी वेबसाइट के लिए करें चाहे आप किसी को एज अ सर्विसेज सेल करें या आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए करें इट डजेंट मैटर जब आप ऐसी करेंगे आपको कंटेंट एज अ फैक्टर लेना है और जितनी ज़्यादा आप कंटेंट पब्लिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा और पब्लिश करने के लिए 101 सौ आइडियाज़ मौजूद हैं आप और भी आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं आप हमसे भी बात कर सकते हैं इसमें बेशुमार चीज़ें इन्वाल्व हैं हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको रेफरेंसेज भी दें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस किस तरह से आप आइडियाज़ बैठ के जनरेट कर सकते हैं